आप सभी का स्वागत है दोस्तों सरजी क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2020 के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर देखेंगे हम लोग, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होंगी। क्योंकि देखिए, इसमें हमने वही सारे जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हमने लिया हुआ है या इवेंट्स हमने लिया हुआ है कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, वो आपका एग्ज़ाम चाहे कोई भी आपका रिसेंट में यदि हो रहा होगा तो। और देखिए, इससे पहले भी हमने 2019 के 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हमने बनाया हुआ है, और उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स का भी बनाया हुआ है। तो मैंने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए, और भी जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर थे, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, अवार्ड से रिलेटेड हो गया, तो ये सारे चीज़ों जो है आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे जनवरी मंथ के जो इम्पोर्टेंट जितने भी करेंट अफेयर हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने ले लिया है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि 2020 वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, जो कि रिलीज किया गया था 2020 में, तो इसमें भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, इस रैंक में भारत का जो स्थान है वो 72 है, यानी कि 72 पोजिशन इसको मिला। तो देखिए, ये जो सूचकांक है, तो जितने भी राष्ट्र होते हैं यानी कि जो कंट्रीज होते हैं, तो वो अपने प्रतिभा को कितना विकसित करते हैं, आकर्षित करते हैं, और अपने प्रतिभा को बनाए रखते हैं, उनकी क्षमता क्या है, तो उन्हीं के बेसिस पे है जो रैंक इसमें दी जाती है। तो देखिए, इसमें टोटल 132 देशों की सूची तैयार की गई थी, तो जिसमें कि जो स्विट्जरलैंड है वो नंबर वन पे रहा था, तो ये आप लोग ये भी याद रखना। और इंडिया कितना रैंक मिला, तो 72 मिला। फिर देखिए, अगला है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो देखिए, यह जो स्कीम है उत्तर प्रदेश के सरकार ने स्टार्ट की है। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि जैसे जो भी कृषक होंगे यानी कि जो किसान होंगे, तो यदि मान लीजिए कि जैसे यदि खेतों में काम करने के दौरान यदि उनकी जैसे कि उनका अगर जैसे कि वो मर जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं, तो किसानों को परिवारों को इसमें 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये इसमें आपको याद रखना है। और इसमें देखिए, बटाईदार भी शामिल होंगे, जो मतलब कि ऐसे किसान कि जो अन्य लोगों के खेतों में काम करते हैं और फसल काटने के बाद फसल को साझा करते हैं, तो ये सारे भी इसमें शामिल होंगे। तो किसने स्टार्ट किया हुआ है चीफ मिनिस्टर फार्मर एक्सीडेंट वेलफेयर स्कीम, तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। फिर देखिए, अगला है जनवरी 2020 में आरबीआई ने दृष्टिहीन लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग को पहचान करने के लिए मोबाइल ऐप मनी लॉन्च किया है। तो इसमें आपको बताना है कि जो मनी में जो एम का अर्थ क्या है। तो देखिए, जैसे कि आरबीआई के जो जैसे कि गवर्नर है शक्तिकांत दास है, तो उन्होंने 1 जनवरी 2020 को इस ऐप को लॉन्च किया था। तो देखिए, ये क्या करेगा कि जैसे जितने भी विकलांग हों यानी कि सॉरी जो दृष्टिबाधित लोग होंगे, तो उनको करेंसी नोटों को जो भी उसके डिनोमिनेशन है, तो उनको पहचान करने में ये मदद करेगी। तो देखिए, ये जो मतलब कि मनी है, इसका फुल फॉर्म आपका है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो इसमें आपका जैसे कि आपसे पूछा गया था इसमें एम का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा आपका मोबाइल आपका हो जाएगा। तो ये आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखना, क्या इसका होगा, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो जो कि बेसिकली किसको मदद करेगा, तो जो दृष्टिहीन लोग हैं उनको डिनोमिनेशन जितने भी करेंसी के नोट है उनको पहचानने में ये मदद करेगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मोबाइल का यहाँ पे क्या एम का अर्थ क्या है, मोबाइल आपका हो जाएगा। फिर देखिए, अगला है कि कौन सा देश 2020 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके जो 19th काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है यानी कि इनके जो सरकारों की जो प्रमुख होते हैं, तो उनकी जो 19वीं परिषद की जो मेजबानी होगा वो कौन सा देश करेगा। तो देखिए, 2020 के अंत में भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा, तो आप लोग याद रखना इसको। फिर देखिए, अगला है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है। तो देखिए, हाल ही में हेनले द्वारा 2020 का रैंक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था। तो देखिए, जो भारतीय पासपोर्ट है वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक में 84वें स्थान पर रहा था। और देखिए, इसकी जो रैंक थी 2019 में वो 82वें स्थान पे थी यानी कि 82 पोजीशन पे था। तो यहाँ पे दो स्थान का यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिला है। तो देखिए, इस लिस्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जापान जो है वो नंबर वन पोजीशन पे है, और इस लिस्ट में जो अफगानिस्तान है वो सबसे मतलब कि लो रैंक पे है उसका, मतलब कि जो अफगानिस्तान है वो दुनिया के सबसे खराब पासपोर्ट में से एक है उसका।
फिर देखिए अगला है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एट वंडर्स ऑफ एससीओ, यहाँ पे आपका एससीओ होगा, ये आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका होगा। तो इस लिस्ट में देखिए निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, तो देखिए जो एट वंडर्स ऑफ एससीओ है तो इसमें जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इंडिया का, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, मतलब कि इनको श्रद्धांजलि के लिए इनका जैसे कि स्मारक बनाया गया था, जो कि गुजरात में 182 मीटर ये ऊंची प्रतिमा है, तो इसी को है जो कि एट वंडर्स ऑफ एससीओ में शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, तो ये आप लोग याद रखना। और देखिए जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके 8 सदस्यीय मतलब कि जो देश है इसमें, तो इसमें कौन कौन सा देश शामिल है तो वो भी आप लोग याद रखना, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए भारत, पाकिस्तान, चाइना हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके मेंबर है। फिर देखिए अगला है कि जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। तो देखिए जो ग्रीन पीस इंडिया है यानी कि इसने जो रिपोर्ट जारी की थी, तो इसमें झारखंड का जो झरिया है ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, तो ये आप लोग याद रखना इसको। और इस लिस्ट में देखिए जो दिल्ली है वो वायु प्रदूषण को मतलब कम करने में मामूली सुधार किया था, तो इसके हिसाब से देखिए जो दिल्ली है वो 10वें नंबर पे रहा है, जो कि मतलब 10वां जो है सबसे प्रदूषित शहर है। और देखिए जैसे कि यहाँ पे झरिया है, तो झरिया में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये यहाँ पे कोयला का, जैसे कि यहाँ पे माइंस, कोल माइंस भी है यहाँ पे। और इसके बाद देखिए जैसे कि दूसरे नंबर पे रहा था तो इसमें यानी कि धनबाद रहा था, वो भी झारखंड का ही है, जो कि वो दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखना। फिर देखिए अगला है कि जनवरी 2020 में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला किस राज्य में शुरू हुआ। तो देखिए जो परशुराम कुंड मेला है तो ये अरुणाचल प्रदेश में इसका जैसे कि यहाँ पे शुरू हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जो है मकर संक्रांति के दिन है, तो हर साल जो है मतलब कि यहाँ पे भक्त जो होते हैं वो आते हैं यहाँ पे और इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कुंड है ये लोहित नदी के निचले हिस्से में ये बना हुआ है, तो ये आप लोग याद रखना इसको। फिर देखिए अगला है, किस राज्य ने साइबर सुरक्षा को लेकर साइबर सेफ वुमन पहल शुरू की है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। तो देखिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेफ वुमन इनिशिएटिव शुरू की है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। और देखिए यह जो पहल है महिलाओं को शिक्षित करने में मदद करेगा कि वो कैसे असामाजिक तत्वों से यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो भी अपराध होते हैं तो उनसे रिलेटेड वो इंटरनेट का यूज कैसे कर सकते हैं। फिर देखिए अगला है कि 26 जनवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में पथ पर 71वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए जैसे कि हर साल गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को, तो इस साल का जैसे कि 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो इस साल के जो चीफ गेस्ट थे तो वो ब्राजील के राष्ट्रपति थे, जेयर मेसियस बोल्सोनारो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और ये किस देश के जैसे कि ये राष्ट्रपति है तो ये आप लोग याद रखना, ये ब्राजील के राष्ट्रपति है। फिर देखिए अगला है कि यूनिसेफ जो कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका फुल फॉर्म है, तो ये आप लोग याद रखना, यहाँ पे आपका दिया हुआ इंग्लिश में भी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, तो इसके द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया था 1 जनवरी 2020 को, कि जिसके अकॉर्डिंग यानी कि जो वैश्विक स्तर पर यानी कि जितने भी जो बच्चे थे मतलब कि जो शिशुओं में जो जन्म लेने वाले थे, तो उसमें से सबसे अधिक जो संख्या है वो किस देश में दर्ज की गई थी। तो देखिए यहाँ पे जो यानी कि जो आंकड़ा जो जारी किया गया था, तो इसमें जो भारत है यानी कि जो इंडिया है, इसने 1 जनवरी के दिन है यानी कि विश्व भर में जो भी बच्चे जन्म लिए थे तो उसमें सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई थी। तो देखिए विश्व भर में 1 जनवरी को जैसे 2020 के यदि हम बात करते हैं यानी कि उस दिन, तो टोटल 3,92,000 शिशुओं मतलब कि जैसे बच्चे जन्म लिए थे, तो उसमें से 67,385 जो है भारत भारत में जन्म लिए थे 1 जनवरी 2020 को। तो भारत के बाद देखिए इस लिस्ट में जो चाइना है वो दूसरे नंबर पे आता है और नाइजीरिया तीसरे नंबर पे है। तो आपको यहाँ पे जैसे कि पूछा गया था कि सबसे अधिक संख्या मतलब कि दर्ज किस देश ने की थी जो भी जन्म लिए थे उस दिन 1 जनवरी 2020 को, तो आपका आंसर क्या होगा, इंडिया हो जाएगा, तो ये आप लोग याद रखना। फिर देखिए अगला है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो देखिए जो रानी रामपाल है ये भारत की भारतीय महिला हॉकी की ये कप्तान है, तो जो इन्हीं को है कि वर्ल्ड गेम ऑफ एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग करेक्ट आपका डी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना इसको। तो देखिए जो रानी रामपाल है, तो
तो उनके जो उत्कृष्ट प्रदर्शन था, यानी कि उनका जो भी अच्छा प्रदर्शन था और उनमें जो नेतृत्व करने की जो क्षमता थी, तो उसी के लिए जो है नामित किया गया है। फिर देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 2018-19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो देखिए इस बार का, जैसे कि 2018-19 के यदि हम बात करते हैं, तो जो पॉली उमरिगर अवार्ड है तो वो जसप्रीत बुमराह को दिया जाएगा, और इससे पहले देखिए विराट कोहली को लगातार 3 बार दिया जा चुका है, तो ये भी आप लोग याद रखना। और इस बार का किसको दिया गया है, यानी कि 18-19 का, तो जसप्रीत बुमराह आपका हो जाएगा। फिर देखिए अगला है कि शानदार 2019 के बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीता है। तो देखिए ये जो अवार्ड है, यानी कि जो ये सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है, तो ये बेन स्टोक को प्रदान किया गया है। तो देखिए जो बेन स्टोक है, इनका जो शानदार प्रदर्शन रहा था 2019 में, तो उन्हीं के लिए जो है दिया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, यानी कि जो आईसीसी है, तो 2019 में अपने वार्षिक पुरस्कारों की जो विजेताओं की जो सूची है, तो वो इसने घोषणा की थी। तो इस लिस्ट में देखिए जो भारतीय टीम के जो सलामी बल्लेबाज है, जैसे कि रोहित शर्मा है, तो उनको एक दिवसीय मैच का, यानी कि एक दिवसीय का, जैसे कि वो इंटरनेशनल जो ओडीआई है, खिलाड़ी का सम्मान दिया गया है, यानी कि ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का जो तेज गेंदबाज पैट कमिंस है, तो उनको टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जैसे कि अवार्ड जो दिया गया है इनको, तो ये भी आप लोग याद रखना। फिर देखिए अगला है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द 2019 नामित किया गया है। तो देखिए ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द 2019 के लिए जो संविधान वर्ड है, तो इसी को है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा यानी कि नामित किया गया है, तो ये आप लोग याद रखना। फिर देखिए अगला है कि जनवरी 2020 लॉस एंजलिस में हुए 62वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किसने एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। तो देखिए जो 62वां ग्रैमी पुरस्कार था, यानी कि ये जैसे कि हर वर्ष आयोजन किया जाता है इसका, तो इस बार का जो एल्बम ऑफ द ईयर है, तो वो वेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो, इसको दिया गया है, तो ये आप लोग याद रखना इसको। और देखिए इसमें और भी बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर हो गया, सॉन्ग ऑफ द ईयर हो गया, तो ये इसके लिए हम अलग से आपका एक वीडियो बना देंगे, तो आप लोग उसको जरूर देखना। तो यहाँ पे आपसे जैसे कि एल्बम ऑफ द ईयर पूछा गया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो, तो यहाँ आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे जो आपका ग्रेमी अवार्ड है, तो ये म्यूजिक के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है बेसिकली। फिर देखिए नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन से नए कोरोना वायरस अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। तो देखिए जैसे कि ये अभी रिसेंट में आपको न्यूज़ में सुनने में मिला होगा कोरोना वायरस के केसेस से रिलेटेड, तो ये चाइना में सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप फैला हुआ था, तो एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, बट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैसे जो WHO है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है इसे, तो WHO का प्रमुख कौन है, यानी कि इसके जो हेड कौन है। तो देखिए इसका जो हेड है वो है टेड्रोस अथनोम गेब्रियसस है, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। तो देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित, मतलब ये रिलेटेड है, और इसका जो स्थापना किया गया था, तो वो 1948 में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, इसका जेनेवा यानी कि जो स्विट्जरलैंड में है आपका बेसिकली। तो आप लोग इतना एडिशनल पॉइंट भी याद रखना इससे रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन आपका इनसे भी आपका पूछा जा सकता है। फिर देखिए अगला है कि किस देश ने घोषणा की है कि वह जुलाई 2020 में अपना पहला मंगल प्रोब शुरू करेगा। तो देखिए चीन चीन ने है, यानी कि चाइना ने है, इसकी घोषणा की है कि वह जुलाई 2020 में अपना पहला मंगल प्रोब शुरू करेगा, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। और देखिए ये पहली बार है कि जब किसी देश ने अपने मंगल अन्वेषण कार्यक्रम के लिए अपने जैसे कि वो कौन से महीना में वो लॉन्च करेंगे, तो इसकी खुलासा किया है, तो ये भी आप लोग याद रखना। फिर देखिए अगला है, जनवरी 2020 में गणतंत्र दिवस पर मरणोपरांत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल जगबीर राणा को गणतंत्र दिवस पर मरणोपरांत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। और देखिए जो जगबीर राणा थे, तो इन्होंने अप्रैल 2019 में 3 बच्चों को होशियारपुर एक्सप्रेस द्वारा कुचलने से बचाया था, तो इसी के लिए जो है जो कि इनको पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो ये आप लोग याद रखना इसको। फिर देखिए अगला है, किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। तो देखिए इस बार का जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में
असम के, यानी कि जो असम की झांकी थी जिसमें कि राज्य की अनूठी शिल्प कौशल और संस्कृति को दर्शाया गया था। तो इसी के लिए है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो कि मतलब चुना गया है, तो आप लोग याद रख। नेक्स्ट देखिए कि इसरो छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो छोटा उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों है तो इसका मतलब होता है कि स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकिल। तो यानी कि जो भी स्मॉल सेटेलाइट जो लॉन्च व्हीकिल होंगे तो उनको लॉन्च करने के लिए विशेष रूप से एक दूसरा जो लॉन्च पोर्ट है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो देखिए अभी जैसे कि श्रीहरिकोटा में जैसे कि सतीश धवन स्पेस सेंटर है तो वो इसरो का पहला लॉन्च पोर्ट है, लेकिन जो दूसरा जो जो लॉन्च पोर्ट होगा तो वो तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिलों में, यानी कि दूसरा जो लॉन्च पोर्ट है वो स्थापित किया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखना इसको। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे जो दूसरा जो लॉन्च पोर्ट जो स्थापित किया जाएगा, तो बेसिकली शुरुआत में सिर्फ केवल ये छोटे जो सेटेलाइट होंगे तो उन्हीं को केवल है कि जो मतलब इनको लॉन्च किया जाएगा, और जो भी छोटे उपग्रह के जो भी लॉन्च व्हीकल होंगे तो सिर्फ अभी उन्हीं को लॉन्च किया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखना इसको। फिर देखिए अगला है, ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसके जो लेखक है वो है बोरिया मजुमदार। तो देखिए ये दो लोग मिल के लिखे हैं इसको, तो एक आपका यहाँ पे जैसे कि बोरिया मजुमदार हो गया और एक है नलिन मेहता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा तो वो आप लोग उसको मार्क करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको बोरिया मजुमदार है, तो इसको जैसे याद करने के लिए एक ट्रिक आपको हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, तो ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना, स्वप्न देखना। तो जैसे कि मान लीजिए यदि आप ड्रीम देखते हैं किसका, तो बिलियन का, यानी कि यदि आप बिलियन की आप ड्रीम देखते हैं, जैसे कि बिलियन आपका बहुत सारा हो गया, तो यदि आप बिलियन का ड्रीम देखिएगा तो आपको वो बोर कभी नहीं लगेगा और आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि कोई भी अगर इतना सारा जैसे बिलियन का अगर कोई ड्रीम देखेगा तो उसको तो बोर कभी लगेगा भी नहीं और उसको बहुत मजा भी आएगा। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि ये जो पुस्तक है इसमें इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स है, तो यानी कि इसमें जैसे कि ओलंपिक गेम्स में जितने भी हार जीत जो भी हुए हैं, या फिर जो भी ओलंपिक गेम्स के जितने भी स्पार्ट यानी कि जो भी स्टार स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो उन सभी की कहानियां इसमें दिया गया है। और आप जैसे कि जानते हैं कि जो 2020 में है जो कि जापान के शहर टोक्यो में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा, तो उसमें यह भी दिया हुआ है कि जैसे भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं। तो ये भी सारे चीज़ जो है इस पुस्तक में मेंशन किया गया है। तो ये सारे चीज़ आप लोग याद रखना। और चलिए आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इससे पहले का जो ओलंपिक गेम्स हुआ था, तो आप लोग उसका कमेंट करके बताना कि वो कहाँ पे आयोजन किया गया था। जैसे कि 2016 में आपका जैसे कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कहाँ आयोजन किया गया था। और इसके बाद जो नेक्स्ट का, यानी कि जैसे 2020 में तो होगा ही, इसके बाद का जैसे 2024 में किया जाएगा, तो आप लोग उसका भी बताना कहाँ पे किया जाएगा। और देखते हैं इसका रिप्लाई कौन देता है। फिर देखिए अगला है कि जनवरी 2020 में जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक। तो यहाँ पे देखिए जो आपका EIU है तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है, तो ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसके द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जो कि जारी किया गया था, तो आपको बताना है कि इसमें भारत का रैंक क्या है। तो देखिए इस रैंक के अकॉर्डिंग भारत का जो मतलब कि इसमें रैंक है वो 51 है। तो देखिए भारत जो है ये यानी कि 10 पायदान लुढ़क कर ये जैसे कि इसका जो स्थान है वो 91 नंबर पे आ चुका है इसका। तो देखिए इस लिस्ट में है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि इसमें जैसे आपसे ये भी पूछा आता है कि कौन टॉप पे रहा, तो नॉर्वे जो है वो मतलब कि सबसे नंबर 1 पे रहा, और इस लिस्ट में जो सबसे नीचे है तो वो उत्तर कोरिया है। तो ये भी आप लोग इसको याद रखना, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इसके अलावा और भी आपको मैं कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं कि देखिए जैसे कि जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि लोकतंत्र के माप के अनुसार विश्व की लगभग जैसे कि जितने आधी आबादी जो है, जितने भी विश्व के जनसंख्या है, तो आधी आबादी लगभग है वो किसी न किसी प्रकार के लोकतंत्र में वो रहते हैं। हालांकि जैसे कि यदि हम पूर्ण लोकतंत्र की बात करें यानी कि फुल डेमोक्रेसी में रहने वाले जो लोग हैं, तो उनकी आंकड़ा केवल 5 पॉइंट यानी कि 5.7% ही है जो कि निवास करते हैं फुल डेमोक्रेसी में, और विश्व की 1/3 से अधिक आबादी जो है वो सत्तावादी शासन में रहते हैं। जैसे कि इसका बड़ा एग्जाम्पल आपका चीन है। तो ये सारे भी फैक्ट आप लोग याद रखना। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो जो है वो किस राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र प्रस्तावित किया है। तो देखिए इसरो जो है वो कर्नाटक के चित्र दुर्ग जो जिला है, तो वहाँ पे मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। और ये देखिए ये जो अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो होगा,
वो 3 अरसों में, मतलब 3 साल में ये उम्मीद किया जा रहा है कि बन के तैयार हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना। और देखिए ये जो कार्यक्रम है, तो बेसिकली जो गगनयान मिशन है इसरो का, तो उसके तहत उसी को देखते हुए किया जा रहा है ये। तो देखिए जो गगनयान मिशन है, तो इसमें अंतरिक्ष यात्री जो है वो रूस में अभी प्रशिक्षित हो रहे हैं, लेकिन ये सेल्फ डिपेंडेंसी होने के लिए, यानी कि दूसरे देश पर हम डिपेंडेंट ना हो, तो उसी के चलते है कि जैसे यहाँ पे बनाया जा रहा है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है आप लोग बस ये याद रखना, ये कर्नाटक में ये बनाया जा रहा है बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट थे आपके करंट अफेयर जनवरी मंथ के, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से देखिए जो करंट अफेयर आपका जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, हर महीने हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग बस हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, क्योंकि देखिए आप जब शेयर करते हैं या फिर आप हमारे जैसे कि वीडियो को दूसरे को आप प्रमोट करते हैं, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।